कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन से परेशान हो रहे लोगों की चिंता तो देशवासी कर ही रहे हैं। कई सामाजिक संगठन इनको रोजाना खाना और अन्य सामग्री बांटते हैं, लेकिन उज्जैन का नीड ए ब्लड ग्रुप डोनेशन न सिर्फ इन्हें खाना बांट रहा है, बल्कि इनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए आज करीब 150 से अधिक भिखारियों को सुलभ कॉम्प्लेक्स लेकर गया, जहाँ उन्हें नहला कर उनके शरीर की गंदगी दूर की गई और इसके बाद उन्हें स्वच्छ कपड़े भी मुहैया कराए गए। उज्जैन के चामुंडा माता चौराहे पर रोजाना कई भिखारी वहां बैठते हैं और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के दान पुण्य पर उनकी रोजमर्रा जिंदगी चलती है। ऐसे में लॉकडाउन में उज्जैन का नीड ब्लड ग्रुप डोनेशन के कार्यकर्ताओं ने करीब 150 से अधिक गरीब और भिखारी को, जिसमें से महिला और पुरुष दोनों को ही सुलभ कॉम्प्लेक्स में लाकर उनके शरीर को स्वस्थ और अन्य बीमारी होने से बचाया और नए कपड़े भी उपलब्ध करवाए। हमने महसूस किया कि रोज के रोज ये एक ही कपड़े पे एक ही जगह पे बैठे हुए थे, तो कोरोना से तो हम लोग लड़ ही रहे हैं, लेकिन जिन कपड़ों में और जिन स्थिति में ये लोग रह रहे थे, तो ऐसा ना हो कि ये दूसरे किसी रोग से संक्रमित हो जाए। तो इसी विषय को लेकर हम जब सब पूरी टीम ने चर्चा करी आपस में, तो हम लोगों ने अपने घर से एक एक सदस्य ने 10-10, 12-12 जो अपने कपड़े जो हम लोग पहनते हैं वो एकत्रित किए और आज यहाँ पर आकर लगभग 150 लोगों को 150 जोड़ी कपड़े वितरित करने का, बहने माता बहने और यहाँ पर जो जरूरतमंद लोग रह रहे हैं उनको कपड़े यहाँ पर पहले निलवाए, उनको उनको पहले स्वच्छ करा, सैनिटाइज करा और उसके बाद उनको कपड़े वितरित करें।